डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्यों आते हैं भूकंप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप चर्चा में क्यों है। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए 7.8, 7.6 और 6.0 तीव्रता के तीन भीषण भूकंपों से बड़ी मात्रा में जानमाल की क्षति हुई है। आइए अब जान लेते हैं कि भूकंप क्या है। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने से तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। इन तरंगों को आमतौर पर भूकंपीय तरंगों के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित वह स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है हाइपोसेंटर कहलाता है, जबकि पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। आइए अब जानते हैं भूकंप के कारणों के बारे में। भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी क्रिया। पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैसों के निकलने से आसपास की भूपरपट्टी पर बल पड़ता है जिससे कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप की आशंका बनती है। भ्रंश की क्रिया। पृथ्वी की प्लेटों में खिंचाव पड़ने पर सतह पर दरारें उत्पन्न होती हैं। जब प्लेटों पर दबाव बहुत अधिक हो जाता है तब यह प्लेटें टूट जाती हैं और इसके प्रभाव से आसपास के क्षेत्रों में चट्टानों के खिसकने से भूकंप आ सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से झटके उत्पन्न होते हैं जिससे भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। मानव प्रेरित भूकंप। ऐसे भूकंप मानव गतिविधियों के कारण आ सकते हैं, जैसे सुरंग निर्माण, भूतापी या फेंकरिंग परियोजना, बांध निर्माण आदि। आइए अब जानते हैं भूकंप के मापन के बारे में। भूकंप का मापन आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यह तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा के मुक्त होने से संबंधित है जिसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इस स्केल पर भूकंप की तीव्रता 0 से 10 के बीच होती है। आमतौर पर 2.5 या उससे कम तीव्रता का कंपन महसूस नहीं होता, लेकिन यंत्रों द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5 से अधिक होने पर भूकंप के अत्यंत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बता दें कि तुर्की में आए हालिया भूकंप की तीव्रता 7.5 से अधिक दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 5 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। आइए अब जानते हैं तुर्की भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है। तुर्की में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं क्योंकि तुर्की और इसके आसपास का क्षेत्र अनातोलियन प्लेट पर स्थित है। आपदा और आपातकालीन प्रबंधन के अनुसार 2020 में इस क्षेत्र में लगभग 33,000 भूकंप दर्ज किए गए। इनमें से 332 भूकंप 4.0 या इससे अधिक तीव्रता के थे। तुर्की 6 टेक्टोनिक प्लेटों से घिरा है जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं। इससे इन प्लेटों में घर्षण होता है और भूकंप उत्पन्न होते हैं। आइए अब आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने से तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है अधिकेंद्र कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2।